हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो अभी इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोटोशॉप ऑयल पेंटिंग के बारे में कि किसी फोटो के अंदर हम ऑयल पेंट किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम कोई भी फ़ोटो खोल लेते हैं जिसकी हमें ऑयल पेंट का इफेक्ट लगाना है। जैसे हमारे पास ये फ़ोटो है, इसको ओपन करेंगे, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे इसको शेडो और हाईलाइट इसकी सेट करेंगे। इसके अंदर हम शेडो थोड़ा सा रखेंगे और अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरह से, ओके करेंगे। अब इसके अंदर हम शार्प देंगे, फिल्टर में जाएंगे, शार्पन पर क्लिक करेंगे, अनशार्प मास्क पर क्लिक कर देंगे। 35 या 40 के आसपास इसको रखेंगे, रेड्यूस थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे इस तरह से और ओके करेंगे। आप सेलेक्ट में जाएंगे और कलर रेंज पर क्लिक करेंगे, कलर इसकी वाइट जो पीछे ज़्यादा आ रही है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाएंगे, ओके करेंगे। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ से ह्यू और सेचुरेशन या कंट्रोल यू दबाएंगे इस तरह से, और इसकी लाइट थोड़ी कम कर देंगे, ओके, ताकि ये थोड़ा बैलेंस में रहे। आप कंट्रोल डी दबाएंगे सिलेक्शन हटाने के लिए। अब हम फिल्टर के अंदर जाएंगे, ऑयल पेंट पर क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे, यहाँ हमें ऑयल पेंट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इसको हम कम करेंगे। इसका स्टाइलाइजेशन हम 5.1 कर देंगे और इसकी क्लियरनेस हम रखेंगे 2.1 की, और इसका स्केल हम कर देंगे 0.1 का, और इसकी डिटेल हम 0 कर देंगे, और यहाँ से डायरेक्शन भी इसकी 0 कर देंगे, शाइनिंग इसकी 0 रखेंगे, ओके करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमको इफ़ेक्ट दे देगा। ये इफ़ेक्ट हम कई प्रकार की फ़ोटो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक इस फोटो के अंदर हमने इफ़ेक्ट दे दिया, और भी कोई फ़ोटो खोल लेते हैं जिसका हमें इफ़ेक्ट देना है। जैसे ये मेरे पास फ़ोटो है, इसके अंदर हम इफ़ेक्ट देंगे, फिल्टर में जाएंगे, ऑयल पेंट पर क्लिक करेंगे और यही सेटिंग रखेंगे, इसको ओके करेंगे इस तरह। आप इसको कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएंगे, इसका फेड हम कम करके इसको कम कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हमें इंस्टाग्राम के लिए थंबनेल पेज के लिए कोई भी पेंटिंग वाली फ़ोटो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेंटिंग के रूप में हमें इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।